मैं मनोविकार शेष रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। हमारा हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में अकोला, यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण पेशेंट जो है और व्यसनी जो लोग है उनको रिश्तेदारों के साथ में रखते हैं, रिलेटिव के साथ में रखते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार पेशेंट को रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। अभी अभी मेरे पास में एक पेशेंट है, उसके बारे में मैं केस स्टडी आपको सुनाता हूं। काफी बड़ा अधिकारी है, सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, और अपने प्यार अपने पति के ऊपर हद से ज्यादा प्यार, उसकी पत्नी भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार करती। 9 साल पहले शादी हुई, 8 साल का बच्चा है, अच्छी खासी से नौकरी है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा सब चल रहा है। मेरे पास में इसलिए आया है कि उसको बहुत बड़ा शौक बढ़ गया और वो शौक से उसकी नींद खराब हो गई। 1 महीने से बिल्कुल बेचैन है, खाना नहीं धक रहा, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं आगे चल के, फ्यूचर में क्या डिसाइड करूं, उसको उसके बारे में बहुत मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। खाना नहीं जा रहा, काम पे नहीं जा रहा, नींद नहीं है और भी कंफ्यूजन में पूरा कि करना क्या है। जब मैंने उसको पूछा हुआ क्या है, तो उसने बोला कि 1 महीने पहले 5 दिन में पुणे में गया था। बीबी ने पूछा जाने के पहले कब आने वाले क्या नहीं, बिल्कुल टाटा बाय बाय किया, केयर लो वगैरह सब किया। और जब पुणे से वो 5 दिन के बाद में वापस आया, लौट आया, तो उसको कुछ तो भी ऐसा डाउट आ गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है, पता नहीं क्या हो गया। तो और थोड़ी छानबीन किया तो उसको काफी सारे कंडोम्स घर में मिले। जब उसने उसके वाइफ को पूछा इसके बारे में कि क्या है, तो उसने तो पहले कुछ बोला नहीं, मालूम नहीं ऐसा ऐसा करने लगी, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसका एक भाई है, कजिन ब्रदर, वो काम वहां काफी दूर रहता है महाराष्ट्र में, और वो यहाँ आया था। वो 5 दिन जब ये पुणे में था, ये 5 दिन वहां रुका और 5 दिन रुक के उनका काफी संबंध उसमें आ गया। तो उसको एकदम धक्का पड़ेगा कि इतना ज्यादा मैं उसके ऊपर प्यार करता हूँ, वो मेरे ऊपर प्यार करके हुआ ही कैसे। फिर उसने और उसको पूछा डेप्थ में और खुदाई किया, उसने कबूल किया कि पिछले 2 साल से हम संपर्क में हैं। बोले मुझे डाउट ही नहीं आया, क्योंकि ये इतना प्यार करने का नाटक कर रही थी, इतना प्यार है कि मुझे डाउट ही नहीं आया। मैंने कभी उसका मोबाइल चेक नहीं किया, मैंने उसका कभी व्हाट्सएप बताया देखा नहीं कि भी क्या हो रहा है, कितने समय तक बात हो रही। फिर अभी जब रेट्रोस्पेक्टिव में जब देख रहा हूं और पूरा उसने डाटा निकाला, तो मालूम पड़ा कि घंटों घंटे उसके साथ में बात कर रही थी जो उसका मुंह बोला भाई था। घंटों घंटे बात कर रही, चैट कर रही व्हाट्सएप के ऊपर, 2 साल से मालूम ही नहीं उसको कि ऐसा हुआ था। जब ये पूरा बाहर आया तो इसको शॉक पड़ गया, उसको लगा अपने खुदकुशी करना चाहिए, बार बार सुसाइड के थॉट आ रहे, खाना नहीं आ रहा, करना क्या। अब वाइफ उसकी जो वाइफ पत्नी बोल रही है कि अभी आप किसको मत बताओ, अभी मैं खुदकुशी कर ली, और वो भी जीना नहीं चाह रही क्योंकि अभी उसको बहुत शर्मिंदा लग रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं आपने बहुत बड़ी गलती किया, और अभी बोल रहे कि आप मेरे को छोड़ देंगे तो सब समाज में बदनामी हो जाएंगी, अपने माँ बाप को मालूम पड़ेगा, अभी मैं ऐसा कभी करूंगी नहीं। वो बार बार पैर पड़ रही है उसके, और आप माफ करो जो भी हो गया वो भूल जाओ, ऐसा ऐसा मैं कर रही है, हमको समझ में आना क्या करना है। तो जब उसको वाइफ को पत्नी को डिप्रेशन, उसको भी डिप्रेशन आ गया, तो उसने ये जब बाहर गया था कुछ कारण के काम के लिए, तो उसने जब आया घर में तब देखा तो वो फांसी लगा रही थी, उसको बचा लिया उसने, उसकी तो जान बच गई। मगर अभी इसको सवाल होगा कि अभी ये जान देगी तो अपने बच्चे का क्या होगा, 8 साल का बच्चा है, अपना क्या होगा, मतलब ये सब पूरा मतलब जैसा उसका जो संसार है पूरा ध्वस्त हो गया, ऐसा हो गया उसको। उसने और जब पूछा उसको तो मालूम पड़ा कि जब अभी वो जो आदमी था, मतलब वो जो मुंह वाला भाई था, वो उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था अभी, और उसको बोल रहा था कि मैं ये बताऊंगा, मैं ये फोटो उसने खींचा था, उसने कुछ एकदम और सिचुएशन में और पोजीशन में फोटो खींचे थे, वो बताऊंगा, तो उसको उसका भी डर लग रहा था कि कैसा करना।
तो अभी मतलब इसको लग रहा है कि अभी मैंने मर जाना चाहिए, अभी तो मेरा पूरा मतलब लाइफ ही बर्बाद हो गया। सोच भी नहीं सकता ऐसा हो गया कि ये हुआ ही कैसे, कंप्लीटली ब्लैंक। जैसा वो स्टैचू चलता है ना, मतलब जिंदा, मतलब मरा हुआ आदमी होगा जिंदा है, जिंदी लाश जैसा वो कर रहा था, अकेला ही है, क्या करूं। उसके साथ में मैंने सिटिंग्स किए, उसको काफी पता दिया कि अभी जो भी हो गया वो हो गया, जो भी हुआ वो अतीत में हुआ है, अभी आपको चूज करना है कि क्या करना है। बोले मैं तो चूज कर रहा हूं कि अभी उसको रखना है, रखना इसलिए है कि बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसको छोड़ दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और उसको छोड़ दिया तो वो पक्का सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसको अभी मालूम पड़ा कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था वो लड़का, क्योंकि उसको जब मालूम पड़ा कि ये सब एक्सपोज हुआ, जो 5 दिन यहां था और वो एक्सपोज हो गया, ऐसा उसको मालूम पड़ा तो वो ब्लैकमेलिंग चालू कर लिया। तो उसमें से रास्ता कैसे निकालना उसके बारे में भी सोचा ले, उसकी पुलिस इंफॉर्मेशन करना, बाहर बताया तो प्रॉब्लम है, लोगों को बताया तो प्रॉब्लम है, वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर उसने उसको बोला कि ठीक है तू ऐसा कर, अभी उसके साथ में तेरा नाटक कंटिन्यू रख, और उसको फिर से बोला कि मेरा हस्बैंड बाहर जा रहा है। तो उसने वैसा किया, वो फिर से आया, इसने क्या किया, ये जो उसका पति था, इसने कि छुपके उनके दोनों के फोटो निकाल लिए। जब वो आ गया तो उसने उनके शारीरिक संबंध जैसे आने लगे तो उसने फोटो निकाल लिए, ताकि अभी वो ब्लैकमेल ना करे, अभी ये उसको ब्लैकमेल कर सकता है या पुलिस कंप्लेंट कर सकता है। बोले कहीं सिनेमा की कहानी रहती है वैसा, ऐसा सीन पूरा हो गया और अभी ये काफी डिप्रेस है, ये बोल रहा है कि अभी वो तो ब्लैकमेल करेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी उसके फोटो खींचे, उसको प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तो पर अभी सवाल है कि अभी जीना कैसे। उसके मेरे 2-3 सिटिंग हुए और सिटिंग में फिर अभी काफी वो रिलैक्स हो गया कि अभी उसके सामने जो भी है वो ही है, अभी उसको स्वीकार करना कि नहीं करना, अभी चॉइस होने वाला आपका है। उसको नींद नहीं आ रही थी, खाना जाएगा, उसके लिए मैंने कुछ उसको दवाई दिया कि जिससे उसको काफी अच्छी नींद आ जाएगी, ताकि अच्छा वो विचार कर सकेगा क्या करना है। मतलब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा नहीं, सॉल्यूशन तो आपको लेना है, आपको करना है तैयार। और मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो एक तरह से एक रास्ता है, वो सही है। फिर और एक बार मेरे पास में आया, बोले अभी काफी सारा ठीक लग रहा है, मैंने उसको जैसी है वैसा एक्सेप्ट किया हुआ है, और मेरी जिंदगी में अभी जीऊंगा उसके साथ में, हमने दोनों ने अभी एक दूसरे को समझ लिया है, उसने वो लड़के के साथ में पूरे संबंध तोड़ दिए, मेरे को पूरा गारंटी उसने संबंध तोड़ दिए है करके, और अभी हम साथ में जिएंगे, मुझे काफी रिलैक्स लग रहा है बोले। तो ये वीडियो शेयर करने का कारण ये है कि जब जब डिप्रेशन के मरीज मेरे पास में आते हैं, जिनको डिप्रेशन है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा मतलब सदमा पहुंचा रहता है, और सदमे से डिप्रेस हो जाते हैं, और उसमें उनको समझता नहीं अभी क्या करना, रास्ता दिखता नहीं है। जब कोई ऐसे लोग शेयर करते उनका प्रॉब्लम, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई जो खुशी होती है वो लोगों को बताना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, और दुख जो होता है वो यदि शेयर किया बताया तो उसमें से रास्ता निकलता है। उसने शेयर किया, चर्चा करने के बाद में उसको उसका रास्ता दिखने लगा, और अभी आज वो हैप्पीली वो औरत के साथ में रह रहा है। आपके परिचित ऐसे काफी सारे लोग होंगे कि जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, नॉट एग्जैक्टली दिस, मतलब ये होंगे, ऐसे नहीं है कि डिप्रेशन के प्रॉब्लम होंगे या और इस तरह के कुछ प्रॉब्लम होंगे, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा होगा तो उनको मालूम पड़ेगा, कुछ केयर लेंगे, या उनको डिप्रेशन आ गया और कोई ऐसी वजह है कि जो वजह से डिप्रेशन आया है, तो उसका इलाज भी साइकोथेरेपी है, मेडिसिन है, उससे होगा। सो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।